टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। कैमरा है उसके अंदर बच्चों का, डिजिटल कैमरा है। जल्दी से बैठे आप, कोई बात नहीं, गड्ढे यहाँ भी आ जाते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और व्लॉग के अंदर। और आज हमारा तीसरा दिन है दुबई में। तो हम कल गए थे जमजम इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ से हमने कुछ जो है आईपैड वगैरह लिए थे। ये रहे दो आईपैड। तो ये जो हमने आईपैड वहाँ से लिए थे, क्योंकि पहले जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने दो आईपैड लिए थे बच्चों के लिए, तो इस बार रईस को भी एक आईपैड लेना था और एक शारिक भाई को आईपैड लेना था, तो हमने जमजम इलेक्ट्रॉनिक से लिए हैं। कल का जो ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ट्राई करी थी, आईफोन वगैरह। तो उस टाइम तो हमने ले लिए, उन्होंने हमसे कहा था कि इसके अंदर यूट्यूब वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने वर्जन होते हैं तो लेटेस्ट ऐप तो नहीं चलते, लेकिन बेसिक ऐप गूगल क्रोम यूट्यूब वगैरह चल जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो यूट्यूब तो चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने इंस्टॉल करने की कोशिश करी, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे पास नेट नहीं था, यूट्यूब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सी भी ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही ओल्डेस्ट वर्जन है। क्योंकि जो मैं आईपैड लेकर गया था उसमें जो केबल लगती थी वो लाइटनिंग केबल लगती थी, और इसमें जो आईफोन की पुरानी बड़ी वाली केबल होती है ना वो लगती है। वहाँ पर ये चीज़ हमने नोटिस नहीं करी, पिछली बार वाले जो आईपैड थे वो काफ़ी बढ़िया थे। तो अब हम वापस से जा रहे हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स और वहाँ पर इनको वापस करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, वहाँ पे जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। और काफ़ी लोग जैसे इंडिया से मुझे कॉल आ रही हैं, जब मैंने व्लॉग लाइव हुआ कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि वहाँ से आप आईफोन का हमें प्राइस बताइए, आईफोन वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि वो दिखाते हैं वीडियो में कि आईफोन के साथ फ्री आपको स्मार्ट वॉच मिल रही है। वो चाइनीज़ स्मार्ट वॉच है 100-200 रुपये वाली, और चार्जर जो दे रहे हैं वो भी डुप्लीकेट चार्जर है। तो कोई अच्छी आपको डील नहीं मिलती, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमने हर चीज़ ट्राई करी, हमें वहाँ से बढ़िया डील नहीं मिली। हाँ, ये सस्ते मिल रहे थे क्योंकि ये पुराने हैं, बहुत ओल्ड वर्जन है, लेकिन इसमें भी उन्होंने क्या करा कि हमें पुराना ही वर्जन दे दिया, जो हम मांग रहे थे वो नहीं दिया। और साथ ही साथ पिछली बार मैंने जब उनसे लिया था उन्होंने मुझे कवर ये फ्री दिया था, और इस बार ये कवर सिर्फ 10 दिरहम का है, यानी आपके जो हैं 230 रुपये हो गए। उसके भी उन्होंने कहा कि मैं बाहर से मंगा के दूंगा, और बाहर से नहीं मंगाया, अपनी दुकान में से ही दिया है जुगाड़बाजी से, लेकिन उसके भी उन्होंने हमारे से पैसे ले लिए। तो अब चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा वो आपको ज़रूर हम बताएंगे। तो गाइस, ये रहा है बिल जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो हमने कल आईपैड यहाँ से लिए थे। ये रही है सामने जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी इनसे बात करिए तो आईपैड इनको दे दिए हैं, रिटर्न तो ये नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। और हमने कहा हम वीडियो दिखा देंगे आपको, पीछे हमने लिखवा लिया है कि आईपैड जो हैं हमने वापस कर दिए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी ऐप नहीं चल रही है। अब कल को आएँगे, क्योंकि मैंने इंडिया से वीडियो मंगाई है, वो वीडियो इनको दिखाएँगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। तो गाइस, फ़िलहाल हम आ गए हैं दुबई मॉल, और यहाँ पर देखते हैं क्या एंजॉय कर सकते हैं। वैसे दुबई मॉल जितनी बार आओ दिल नहीं भरता, लेकिन चलना बहुत पड़ता है। रही सुबह सेकंड टाइम आ रहा हूँ, सेकंड टाइम आ रहा हूँ, हर बार अलग ही फीलिंग होती है यहाँ पर। अब हम सोच रहे थे कि बुर्ज खलीफा जाएंगे, पहले वहाँ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एप्पल स्टोर, और हमें iPhone 14 Pro 128 GB रोज़ गोल्ड कलर, इसकी डिमांड आई है घर से,
अजीम भाई के लिए, तो वो लेना है और मैं कोशिश करूँगा अपना फ़ोन अपग्रेड करने के लिए। अगर वो अपग्रेड हो जाए तो उसको अपग्रेड करेंगे, और रईस को भी अपना फ़ोन अपग्रेड करना है तो रईस भी अपग्रेड कर लेगा, ठीक है। और शारिक भाई को भी अपग्रेड करना है, तो ट्राई करते हैं कि अगर वहाँ पे हमें अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिल जाता है एप्पल स्टोर में, तो हम सब अपने अपने फ़ोन जो है अपग्रेड कर लेंगे आईफोन 14 के लिए। बाकी चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मैंने दुबई मॉल की काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। और विंग्स ऑफ मैक्सिको करके एक जगह है दुबई मॉल के पीछे, जहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बढ़िया आते हैं, तो वहाँ पर जाके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, विंग्स ऑफ मैक्सिको जो है रेस में देखा नहीं है, तो वहाँ चलेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो करनी है ना, ज़्यादा फ्री वाली करनी है, क्योंकि पैसे नहीं खर्च करने हमें, क्योंकि पैसे पहले ऑलरेडी खर्च हाँ पैसे तो बहुत हमने खर्च कर दिए हैं। सो गाइस, हम खड़े हैं फिलहाल यहाँ पर, ये वाटरफॉल है, और दुबई मॉल जब भी हम आते हैं ये ज़रूर इन्जॉय करते हैं। एक फ्री की आपकी एक टूरिस्ट की जगह हो गई देखने की, अच्छी एक लोकेशन है, यहाँ पे हमेशा अच्छे फोटोज आते हैं, अच्छा व्यू आता है। बाकी अभी नीचे जाएंगे तो देखेंगे, नीचे ट्राई करेंगे। फिलहाल तो एप्पल स्टोर ढूंढना है, मिल नहीं रहा है एप्पल स्टोर, नीचे जाके हम फोटो भी क्लिक करेंगे यहाँ पर। जो रईस हमने अभी वर्जिन मोबाइल से जो हमने वैल्यू लगवाई है, मेरा जो आईफोन है उसकी वैल्यू उसने कितनी लगाई है? 2508 हाँ, लगभग 57,000 के आसपास लगाई है। ये है आईफोन मेरा 13 प्रो मैक्स 512 GB है। मैं चाह रहा हूँ इसको हम अपग्रेड करके आईफोन 14 ले लें सेम स्पेसिफिक के साथ। तो अभी नीचे जाएंगे फिर देखते हैं। सो गाइस, ये रहा है एप्पल स्टोर, और चलिए चलते हैं, देखते हैं अपना फ़ोन जो है क्या प्राइसिंग हमें मिलती है, उसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर हम देखें, यह है आईफोन 14 प्रो मैक्स, और इसकी प्राइसिंग अगर हम देखते हैं तो प्राइसिंग ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। तो 128 GB जो आपको पड़ रहा है 4699 का पड़ता है, 256 GB आपको 5099 का, 512 5949, और ये 1 TB 6799। वैसे जो प्राइसिंग है ना, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं या noon.com से, तो आपको 400-500 दिरहम बच जाते हैं, नून पे प्राइसिंग आपको कम मिलती है। मैं आपको प्राइसिंग जो है ना इसकी, ये तो मैक्स था 14 प्रो, मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ उसकी 14 प्रो की खाली। तो है ये 14 प्रो, इसकी प्राइसिंग देखें तो यहाँ पर 128 आपको मिलता है 4299 का, 256 4699, 512 5549, और 1 TB 6399। हम ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से अलबैक से, और आधे घंटे से रही इस लाइन में लगा था ऑर्डर करने की, और अब वो पहुँच गया, वो आ गया उसका नंबर। ये लाइन जो है ये ऑर्डर करने की लाइन है, और वो लाइन जो है ऑर्डर रिसीव करने की लाइन है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है अलबैक पर दुबई मॉल के अंदर, यानी टेस्ट बहुत गजब का होता है इनका, और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। सो ये आ गया है रईस यहाँ पर, इतनी इंतज़ार के बाद कितना टाइम लगा है, माइक ऑन करो पहले, अब बताओ रईस अपने हालात। लेट मी चेक द टाइम, टाइम देखो कितना लगा है ऑर्डर करने में। मैं 7:45 को गया था और 8:27 को वापस आया हूँ, लगभग पौने घंटा लगा। अब लेके क्या आया हूँ, जरा दिखाना हमें, कुछ थोड़ा सा लाए, कुछ लाए भी खाने के लाए, पता चला पौन घंटे इंतजार करने के बाद खाने के लिए कुछ मिले ना, जो मिला ले आया बस। क्या लाए? I don't know. क्या क्या ऑर्डर करा बताओ, बिल का है, बिल दिखाओ भाई। I don't know. भाई शारिक भाई यहाँ इंतजार करते हुए पौन घंटे से, और फेम का चीज़ फ्राइज नहीं मिला है, चीज़ फ्राइज नहीं मिला मेरा, नहीं मिला, फिर अवेलेबल नहीं है। और कौन मिला? हाँ कौन मिला, कौन मिल गया है, कौन बहुत टेस्टी है अलबैक का, तो कौन हम ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या लाया है। वाओ, ये है हमारा हॉट कॉर्न, बहुत ही मज़े का होता है, और इसमें देखते हैं क्या है। ये तो सिर्फ एक कैन लेके आए तुम अलबैग से वह घंटे इंतजार करने के बाद, यार खाना ऐसा लग रहा है तुम कम लाए हो। नहीं सिंगल सिंगल वो है। अच्छा ये क्या है, फ्राइज, ठीक है, बर्गर,
एक एक बर्गर बस एक एक बिग बैग है ये किसको खाना है बता मतलब ये बिग बैग है और ये डबल बैग है अच्छा बस तीन बर्गर पौन घंटे में अब बिल अमाउंट 50 दिरहम 50 दिरहम यानी 1200 रुपये 1150 रुपये में आया है कौन फ्राइज ये तीन नगेट्स लेना बोला हूँ मैं नगेट्स लेने थे यार वहाँ पे इतनी भीड़ यार सब कुछ भूल जाता है खड़े हो गए क्या लेना है क्या नहीं लेना है दिमाग खराब यार चलो अब खा लें दोस्तों छाँस सो गाइस फूड कोर्ट से बाहर निकलते ही इधर ये है आइस रिंक और लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई की थी जब मैं अजीम भाई के साथ आया था उस टाइम मैंने ये ट्राई की थी काफ़ी मज़ा आया था ये जो यहाँ पे आइस स्केटिंग है पहली शुरू में तो डिफ़िकल्ट लग रही थी लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया था और ये देखिए जैसे हम बिगिनर्स होते हैं तो ऐसे ही पकड़ के चलाते हैं पेंगुइन सा बना रखा है ना ऐसे ईजी रहता है लेकिन एक्सपर्ट हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके अंदर बाकी वो सामने रेस्टोरेंट्स देखिए कहाँ स्क्रीन के बीच में बने हुए हैं कितना गजब का व्यू है और यहाँ पर चारों तरफ लोग खड़े हैं जो नीचे देख रहे हैं ओवरऑल काफ़ी कमाल गया मुझे डर लग रहा है मेरा फ़ोन ही नीचे नहीं गिर जाए इसलिए थोड़ा सा दूर से बना रहा हूँ देखो देखो कैसे एक से एक बड़ा एक ये है देखो ये देखो कितना परफेक्ट चल रहा है सो गाइज हम फिलहाल हैं डे टू डे में और शॉपिंग कर रहे हैं कुछ सामान मैंने लिया है राइस ने लिया है और शारिक भाई ने लिया है राइस क्या क्या लिया है आपने और क्या ढूंढ रहे हो ज़रा और आज बात ये हुई है कि राइस जितना यहाँ पे हमें घुमा रहा है ना तो जाके टांगे पे इसी दबाने वाला है हमारी पैरों की जो है बुरी हालत हो गई है राइस क्या लिया है ज़रा दिखा भी दो हमें उस हिसाब से आप दोनों के बास्केट चेक कर लीजिए इसमें कितना सामान है ये मेरी बास्केट है ये मेरी और ये रईस की बास्केट है किसने किसको कितना क्यों आया आप खुद से नहीं नहीं मैंने जल्दी लिया है रईस ने देर से लिया है और ये शारिक भाई की बास्केट है बाकी यहाँ पे आप देखिए बहुत कितने लोग हैं वैरायटी है 12 बजे रात के 12 बजे हैं फिलहाल ऐसा तो नहीं है ना कुछ बस है 120 से लगाया हमें 120 रुपए तक का बेच का है और ये 200 रुपए 500 रुपए हो जाता है ये हमें ना 11 रुपए सस्ते लग रहा है बहुत 12 रुपए तो बड़े महंगे हो 220 250 250 रुपए का हो गया सही है हाँ सही है बढ़िया ये बढ़िया है मैंने तो यहाँ पे पानी के लिए ये बॉटल ली है और पानी पीना ज़रूरी है तो इसमें काफ़ी सारा पानी आ जाएगा पी लेंगे है ना वो लेंगे जूस लेंगे लो ये भी रखना शारिक भाई और ये आगे रख ले यार इसमें एक वो है सुनो 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 इसे आगे रख लो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ है इसको पीछे कर यहाँ अटकेगा ये टूट जाएगा वो ख़राब हो जाएगा कैमरा है उसके अंदर बच्चों का डिजिटल कैमरा है जल्दी से बैठे आप कोई बात नहीं गड्ढे यहाँ भी आ जाते हैं सो गाइज हम आ गए हैं होटल वापस और आज का जो व्लॉग है चलिए यहीं पर एंड कर दें आई होप आपने एंजॉय करा होगा हमने भी काफ़ी एंजॉय करा है आज शॉपिंग में डे टू डे के अंदर है ना रईस रईस की हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है खैर हम सबकी हालत डाउन हो गई है हमने लगभग 13-14 हज़ार स्टेप्स आज कवर करी हैं कल 17 हज़ार स्टेप्स हम चल लिए थे तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक का बटन ज़ोर से दबा दीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम काफ़ी कमाल के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर